हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। सो हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे हैं शाम के 5:30। परी गई हुई है ट्यूशन और आज मैंने अपने लिए बहुत सारे काम फैलाए हैं, काम जरूरी थे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इन दोनों डब्बों में चावल थे। इन चावलों में बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, घुन, कीड़े होते हैं ना, जो कीड़े हो गए थे। ये गाँव के चावल थे। तो अभी स्कूल से शौर्य को लाने के बाद में मैंने 1 घंटा आराम किया। वैसे तो मुझे आज करना था स्टिचिंग का काम, कटिंग वटिंग करके रख रखी है। फिर चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे तो फिर मैंने कहा चलो पहले आज कर लेते हैं चावलों की सफाई। और मैं लेके आई ऊपर चावल, तो मैंने इनको पहले थोड़ा सा फैला दिया और इनको मैंने साफ़ कर दिया। इसमें इतने भाई बहुत ज़्यादा घुन हो रहे थे, इतने सारे घुन पता नहीं कहाँ से हो गए। और अभी मुझे ना मतलब एक ड्रम के चावल और हैं, ये रे ये रखे हुए हैं। तो इस ड्रम में भी चावल है, इसमें भी कीड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैंने पूरी छत पे ना लक्ष्मण रेखा से ना लाइन बना रखी है ताकि ये जो घुन थे ये कमरे में ना जाए। तो ये अभी 25-30 किलो चावल थे, ये मैंने साफ़ कर लिए हैं। और अभी थोड़े से और चावल हैं, वो भी साफ़ करने के लिए जा रही हूँ। अभी मुझे गेहूँ की भी सफाई करनी है क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है, लेकिन गेहूँ आज साफ़ नहीं करूँगी। आज बहुत काम हो गया, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ऊपर लेके आई ड्रम, अब ड्रम को नीचे लेके जाऊँगी तो बहुत थकावट सी हो रही है। तो चलिए अब मैं उन वाले गेहूँ को, सॉरी चावलों को साफ़ कर लेती हूँ। गेहूँ भी रखे हैं बोरी में, टाइम नहीं है क्योंकि अब 5:30 हो गए ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो फिर मैं करूँगी उनकी बाद में सफाई। क्या ये इससे मर जाएंगे? जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना, मुझे दिखाते रहिए। मर जाएंगे? सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि चावलों में कितने सारे कीड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लक्ष्मण रेखा से लाइन बना ली है ताकि जो ये कीड़े हैं ये कमरे के अंदर ना जाएं, लक्ष्मण रेखा को पार करते ही मर जाएं। और यहाँ पे फिर जब मैंने चावलों को फैला लिया तो इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने का जो आइडिया है मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, जिनका नाम है प्रीति लांधा जी। सो थैंक यू प्रीति जी, आपके इस आइडिया से ना सच में जो चावलों के घुन थे ना वो इतनी जल्दी निकले हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये ट्रिक है ना मेरे घर में ना, ये वीडियो 2 दिन पहले की है, तो ये ट्रिक मेरे घर में मेरी सिस्टर वगैरह ने भी अजमाई है। थैंक यू। सो गाइस, मैंने एक बार के चावल तो साफ़ कर दिए और यहाँ पे इन वाले चावलों को भी फैला दिए। ये भी बहुत सारे चावल हैं और इसमें इतने सारे घुन हो रहे हैं। तो मुझे प्रीति जी ने बोला था कि इसमें हल्दी डाल दो, प्रीति लांधा जी के नाम से जो जिनकी आईडी है, उन्होंने मुझसे बोला था कि रिया आप हल्दी डाल दोगे ना तो उससे गेहूँ वो सॉरी ये जो घुन है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी पता है मैंने चावल साफ़ करने से पहले इसमें हल्दी डाल दी थी ना, तो इतनी जल्दी साफ़ हुए हैं, इतनी जल्दी भागे हैं वो। और यहाँ पे मैंने लक्ष्मण रेखा से ये लाइन इसलिए बना दी क्योंकि ये कमरे में ना जाए, यहाँ से निकल के ना यहीं के यहीं मर जाए। बहुत सारे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं, बारिश के मौसम में हो जाते हैं ना। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें कितने कीड़े हैं। और चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, गाँव के चावल हैं तो इनको इस तरीके से फेंक भी नहीं सकते थे, और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत नहीं, मुझे चावल साफ़ करते करते मैं बैठी थी 4 बजे और अब बज रहे हैं 5:30, 1.5 घंटा हो गया है। और अब ये दोबारा साफ करूंगी तो इसमें भी इतने टाइम लगने वाला है। मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखो इतने सारे कीड़े हो रहे हैं, ये इतने कीड़े हो रहे हैं, इसमें दिख रहा होगा आपको, ये देखो। मुझे तो कैमरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन आप लोगों को दिख रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी मिला दी है ताकि जल्दी से निकल के भाग जाए, ये देखो। तो थैंक यू प्रीति जी, आपकी जो ट्रिक है वो काम आई है, उससे ना ये जो घुन है बहुत जल्दी जल्दी मतलब चावलों में से निकल रहे हैं। और अब मैं ना इसमें चावलों में हल्दी डाल के ही रखूँगी ताकि दोबारा से फिर ना हो इसमें। और ये देखो कितने सारे हो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, ये देखो। अब इन सारे चावलों को मैं साफ़ करने वाली हूँ और ये देखिए इतने सारे कीड़े हो रहे हैं। लक्ष्मण रेखा मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि घर में बच्चे हों और ये कान वान में घुस जाए तो इसलिए डर रहता है। लक्ष्मण रेखा लगाने से ना ये इसको पार करेंगे ना तो यहीं के यहीं मर जाएंगे, काफ़ी सारे मर चुके हैं। पहले जो मैंने चावल साफ किए थे ना उसके काफ़ी सारे मर चुके हैं। और अभी मैं आप लोगों को चावल दिखा देती हूँ, एकदम साफ हो गए हैं।
बहुत सारे हो रहे हैं और अभी ये सारे चावल मुझे छानने हैंगे। और मेरा कल का जो दिन था, कल का मेरा पूरा दिन, मेरे को कमेंट भी आए थे रिया फिर से गायब हो गई। आपने मतलब बोला था कि आप वहाँ पर ना कंटिन्यू ब्लॉग बनाओगे और फिर से आप गायब हो गई हो। तो कल मेरे को ना काम करवाना था परी के स्कूल का, क्योंकि परी की ना जो मतलब बैंक में जो खाता है ना उसकी KYC करवानी थी और 4 साल से परी की KYC नहीं हुई थी। तो परी के ने स्कूल में ना शायद वो अकाउंट बुक होती है ना, तो उसका ना वो मांग रहे थे, उसकी एक फ़ोटो स्टेट मांग रहे थे। तो उसमें ना एंट्री नहीं हो रही थी क्योंकि KYC नहीं हुई थी, तो एंट्री नहीं हो रही थी। तो इसलिए वहाँ पे बुक दिखानी थी स्कूल में, क्योंकि अभी परी की 10th के पेपर होंगे ना, तो 10th के पेपर में ना शायद कुछ है। और तो इसीलिए ना मैंने फिर कल वो वाला काम किया। और पता है कल परी 8 बजे गई थी, मैं तो खैर 10 बजे गई थी, परी अपने ताऊ के साथ चली गई थी। उसके बाद परी लगी रही, फिर 10 बजे मैं गई और हम लोग कल शाम को आए हैं, मतलब शाम को 4:15 बजे घर आए थे, 4:30 बजे घर आए हैं। लेकिन ये है कि परी का काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, मुझे भी अपनी KYC करवानी थी और मेरा ATM आ गया था बट मैंने उसका पिन जनरेट नहीं करवाया था, वो करवाना था, बहुत सारे काम थे। तो वो सारे काम मेरे हो गए हैं, मतलब दो तीन दिन से लगातार काम में लगे हुए हैं। ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है काम नहीं है, काम काफ़ी सारे कर रही हूँ लेकिन बस शूट नहीं कर पा रही हूँ काम, क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन ख़राब है और ऐसे फ़ोन से ना ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप तो बोल रहे थे कल, उस दिन मैंने आप सबके कमेंट पढ़े थे कि रिया आपकी जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि फ़ोन ख़राब है, लेकिन इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल सारे में लाइनें आ रही हैं। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाती ना, फिर मेरा माइंड कुछ अलग अलग सा रहता है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं, तब तक ये चावल के कीड़े निकलते हैं, इनको भी मैं छान के भी साफ़ करूँगी। और उसके बाद ना अभी मुझे बनानी है चाय, झाड़ू लगाने जा रही हूँ, नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ। सौर ने मुझे लक्ष्मण रेखा दे गया है, लक्ष्मण रेखा ना अभी मैंने परी से मंगवाई थी ना तो मिली नहीं थी, तो परी की जो फ्रेंड है ना उनकी मम्मी ने दे दी, लेकिन वो कम पड़ गई, मैंने कहा लेके आओ, तो इसको साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहती हूँ, मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि कोई आईडी है एक साधना के नाम से, साधना मिश्रा के नाम से, और एक आईडी और है, तो डेली कंटिन्यू मैं कम से कम नहीं तो 15 दिन हो गए, 15 दिन से मैं इनको देख रही हूँ, 15 दिन से ये मेरे को एक ही कमेंट करे जा रहे हैं बार बार कि आप विधवा हो तो आपको इस तरीके से ये जो डांस करना वगैरह ये शोभा नहीं देता है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या शोभा देता है काम करना, मुझे ये सब काम करना भी शोभा नहीं देता है, मुझे बच्चे पालना भी शोभा नहीं देता, मुझे कुछ काम शोभा नहीं देता, लेकिन मैं सारे काम कर रही हूँ ना। मैंने आपसे एडवाइस मांगी है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और डांस मैं अपने पैरों से कर रही हूँ, फ़ोन मेरा है, अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? और अगर आपको मेरा डांस देखने में इतनी ही दिक्कत हो रही है, आपकी आंखों को इतनी दिक्कत हो रही है, तो अपनी आंखों को आप फोड़ लीजिए, ठीक है, अपनी आंखों को फोड़ दो, अंधी हो जाओ या अंधे हो जाओ, जो भी कोई है, लेकिन मुझे इस तरीके के कमेंट करोगे तो मैंने जिस तरीके का आंसर आप लोगों को एक बार पहले दिया था मैंने, तो इनका वहाँ से कमेंट गायब हो गया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो मैं वैसे कभी भी किसी भी फालतू के कमेंट का आंसर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू 15 दिन हो गए हैं इस चीज़ के बारे में, मैंने मेरी एक फ्रेंड है उनसे भी बताया था, तो उन्होंने बोला कि आप बार बार इसी कमेंट को क्या नाम है क्यों देख रहे हो, इसका जवाब दो। जवाब देने से मुझे लगता है कि जवाब देने से जिसको सुधरना नहीं है ना वो कभी भी नहीं सुधरने वाला, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप है ना जो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हो किसी के लिए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान मैं कह रही हूँ थोड़ी सी बुद्धि आपके माइंड में डाल दे। मुझे लग रहा है आप है ना खाना नहीं खाते हो, गोबर ही खाते हो जिस हिसाब से इस तरीके की बातें करते हो, ठीक है। मेरे जैसा दिन भगवान किसी की लाइफ में ना लाए। मन तो मेरा कर रहा था कि मैं आपको बहुत रूडली तरीके से जवाब दूंगी, लेकिन फिर मेरा मन किया कि जैसे के साथ तैसा नहीं बना जाता है, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, अगर हम उसके साथ वैसे बन जाएंगे तो ये सोचिए कि हम भी अपनी आदतों को उसी में ही मिला रहे हैं, उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मुझे आपके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, लेकिन अपनी आदतों में सुधार करिए, ठीक है ना। मैं सच बता रही हूँ, इस कमेंट का जवाब देने के लिए ना मैंने ये सोचा था कि मैं आपको इस तरीके का जवाब दूंगी, जो मेरे पास ना ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब देना नहीं आता है, मुझे हर चीज़ का जवाब देना आता है। आप सोचते हो मैं सीधी दिखती हूँ या फिर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मुझे जवाब देना नहीं आता, ये ऐसा नहीं होता, ये हमारे संस्कार हैं कि जो जैसा है वो जो कर रहा है करने दो, हमें क्या करना है। देखो अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है और हम उसको देख के गलत काम करने लगे तो उसमें और हमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं
फालतू के चीज़ों का जवाब नहीं देती हूँ मैं। कमेंट्स आपके 15 दिन से रोज़ रीड कर रही हूँ। विधवा है, तेरे को ये सब करना शोभा नहीं देता है, ये करना शोभा नहीं देता, वो करना शोभा नहीं देता। तो क्या करना शोभा देता है? आपके घर में अगर कल को ऐसी बात हो जाती है आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, क्योंकि जो आज चीज़ें, जो वर्ड आज आप मुझे बोल रहे हो ना, यही वर्ड आपको कल को सुनने को मिलेंगे। क्योंकि हम जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं ना, कल को उस गड्ढे में हम खुद ही गिरते हैं। आप जो मेरे लिए वर्ड आज यूज़ कर रहे हो ना, कल को शायद ये वर्ड तुम्हारे ऊपर भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी किसी को वर्ड बोलो ना, सोच समझ के, तोल मोल के बोलने चाहिए, ठीक है। और मेरी एक सब्सक्राइबर और थी, वो मुझसे बोली थी कि रिया, आप पे इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं, आप पे इतनी सारी मतलब दिक्कतें आई, लेकिन आपने कभी भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ा। देखो, दिक्कतें सबकी लाइफ में है, परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपको जाके सुकून ना भगवान के चरणों में ही जाके मिलता है। ये बात सच है। आप है ना, किसी से भी अपना, अगर आप किसी से अपना दुख रोओगे ना, तो वो आपके दुख का ना मतलब मजाक बना देगा। ये चीज़ें मैंने पता है बहुत अच्छे से फील कर रखी हैं। रिया ने अपनी छोटी सी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को फेस किया हुआ है। अगर है ना, आप अपना दुख है ना भगवान से कहोगे, भगवान किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन अगर यही दुख आप है ना और लोगों से कहोगे ना, तो इसका मजाक बन जाएगा। तो इसीलिए मैं, जो हो गया लाइफ में, शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जो इस जन्म में मुझे ये सब चीज़ें मिली हैं, लेकिन इस जन्म में तो हम कुछ अच्छा करें जो आगे के हमारे लिए अच्छा हो। ये देखो भाई, मेरे ऊपर घुन चढ़ रहा है, इतने सारे घुन हो रखे हैं। मुझे नहाना पड़ेगा। ये सारे गेहूँ, ये चावल साफ़ करूँगी ना, वैसे मुझे आज गेहूँ भी साफ़ करने थे, लेकिन गेहूँ अब कल साफ़ करूँगी, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है ना, तो आज मैं इन चावलों को ही साफ़ कर दूँ। एक काम तो निपट जाएगा, मेरा बैंक का काम भी हो गया, चावल भी साफ़ कर दिए मैंने, और सिलाई का काम बचा है जो कि कंटिन्यू है, कर नहीं पा रही हूँ। मुझे 4 दिन हो गए, 4 दिन से मैं सिलाई का काम नहीं कर पा रही हूँ। कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है। परसों मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैं लेटी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए लेटते हैं, आराम करते हैं, लेकिन फिर मैं सो गई, मेरी आँख सीधे शाम को 5:30 बजे खुल गई। फिर मशीन रखने का मन नहीं करता है। कटिंग कर ली है मैंने, लेकिन देखती हूँ अगर ये साफ़ करने के बाद टाइम मिला ना, तो एक आध ब्लाउज की कटिंग कर लूँगी, कच्चा कर लूँगी। कटिंग हुई ही रहती है ना, तो फिर यह सिलने बैठ जाओ ना, तो आप 3-4 सिल दोगे आराम से। और एक तो गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है, बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ना सच बता रही हूँ, कुछ लोग हैं ना इतने वाहियात होते हैं कि जिनको ना लोगों को गलत कमेंट करने में कितना मज़ा आता है। अरे भाई, आपको मेरा डांस करना दिख रहा है, आपको मेरा मेकअप करना दिख रहा है, बाकी आपको और कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता जो मैं करती हूँ, बाकी वो सब चीज़ें कुछ नहीं दिखती। हद है भाई, आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आपको बाकी कुछ नहीं दिखता है, बाकी सिर्फ मेरा डांस करना दिखता है। और सच बताऊँ ना, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और डांस करना मेरा ना कभी शौक था। मैं आपको ना इसकी कहानी भी सुनाऊँगी। मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी होने के बाद मेरी नंद की शादी थी, तो यहाँ पे सब ने गली में डांस किया था, तो सब ने कहा कि तुम भी करो। तो मैं डांस करने के लिए गई। मेरा नाम दूसरा भी है जो मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं बताऊँगी, तो पता भी है काफ़ी सारे लोगों को। तो सब ने कहा कि डांस करो। अब पता है, मैं उस टाइम पे ना इतने सारे लोगों के सामने ना डांस करने में ना बहुत ज़्यादा हॉपलेस हो गई, और मैंने ना डांस है ना ऐसा किया कि वो डांस है ना आज तक है ना बहुत सारे लोगों को याद है, और काफ़ी सारे लोग उस डांस के लिए ना मेरा मजाक भी बनाते हैं। लेकिन अच्छा होता है जब सबके सामने अगर कोई हम हंसी वाली हरकत कर देते हैं और सब लोग हंसते हैं, और वो चीज़ हम बहुत टाइम तक याद रहती है, तो अच्छी बात है इस चीज़ में। तो मुझे कोई वो नहीं लगा, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा यार मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे मेरी जो एज थी वो 22-23 साल की थी जब मेरी नंद की शादी हुई थी ना, और साड़ी पहन रखी थी, साड़ी में डांस कर रही थी ना, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने किया क्या है। लेकिन जब मैं अब डांस करती हूँ ना, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि हम तो सच में ही सोचते थे कि आपको डांस नहीं आता, लेकिन आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन मैं सही बताऊँ ना, अगर मैं दुखी होती हूँ, अगर मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ, या फिर मैं जो ये रील्स बना लेती हूँ ना, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और ऐसा मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा, डांस करना, सिंगिंग करना, और अगर आप है ना जैसे वीडियो वगैरह बनाते हो, इससे ना आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, तो अगर आप वो चीज़ कर लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर आप दुखी हो ना, तो आप है ना थोड़ी देर के लिए वहाँ से अपना मन, आपका मन है ना वो हट जाएगा। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी की लाइफ में ये सब चीज़ें हों, किसी को सिंगिंग करना पसंद है, स्टिचिंग करना पसंद है, पार्लर का कोर्स पसंद है, या फिर आपको रील बनाना पसंद है, तो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारे मन को खुशी मिलती है। और हमें जो चीज़ पसंद होती है ना, अगर हम उसको करते हैं ना,
तो हमारा मन है ना अंदर से हैप्पी हो जाता है। और रील बना के सच में जब मैं अपनी रील को बना हुआ देखती हूँ कि मैं डांस कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और अभी मुझे सुबह भी किसी ने मैसेज किया है, इट्स अगली, मतलब बहुत ही बदसूरत दिख रही हो। अगर मैं बदसूरत दिख भी रही हूँ तो मैं बदसूरत हूँ, आपको मेरी बदसूरती से क्या लेना देना है, मेरी समझ में ये नहीं आता है। मैं खूबसूरत हूँ, बदसूरत हूँ, काली हूँ, जो भी हूँ एक्स वाई जेड, वो अपने लिए हूँ, अपने बच्चों के लिए हूँ, अपनी फैमिली के लिए हूँ, इससे आपको क्या है। देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी, बदसूरत हूँ तो बदसूरत रहूँगी, आपके कहने ना कहने से मैं खूबसूरत नहीं होंगी और मैं खूबसूरत हूँ तो बदसूरत नहीं हो जाऊँगी। लेकिन हाँ, आप ये सब कह के ना अपनी जवान बहुत ज़्यादा गंदी कर रहे हो, क्योंकि आप है ना इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो, आप विधवा हो, फलाना हो, ढिकाना हो, ये सबको पता है, ये सबको पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताने के लिए बता के ना, जब आप बताएंगे तभी हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डीमोटिवेट भी मत करिए, ठीक है। आपके ये सब कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ये सब चीज़ें सुनने की आदत पड़ चुकी है, मैं बहुत टाइम पहले से ये सब चीज़ें सुनती भी आ रही हूँ। लेकिन आप अपना मुँह ज़रूर गंदा कर रहे हैं और आप अपने जो कर्म का खाता होता है ना उसमें एक पाप बढ़ा रहे हो, ठीक है। किसी को दुखी करना और किसी को गलत वर्ड बोलना एक पाप बढ़ाने के बराबर होता है, तो आप वो काम रेगुलर कर रहे हो, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी कंटिन्यू, भगवान आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, सावन के दिन चल रहे हैं, शंकर भगवान आपको थोड़ी सी बुद्धि दे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, परी बना रही है चाय, क्योंकि मैच कर रही थी चावल साफ, तो परी ने ट्यूशन से आके बना ली चाय, दूध गर्म होने रख दिया है मैंने। और आज मैंने सांभर बनाया तो अभी मैं इडली बनाऊंगी, तो परी इडली के लिए वो ले आना था ही, ठीक है ना। और ये देखिए, ये सारे चावल साफ़ हो चुके हैं, ये भी साफ़ हो गए, ये भी साफ़ हो गए, इसमें रखे हुए हैं, ये भी साफ़ हो गए हैं। और परी ने पूजा भी कर ली है, परी दुकान जा रही है, मट्ठा ले आना और मूंगफली की दाल, जो वैसी वाली हो ना, दो चार दिन की वो वाली ले आना। परी तो गई है चाय लेके, मैं भी चाय पी लेती हूँ, आज सर दर्द करने लग गया है मेरा, लेकिन यह मेरा एक काम हो चुका है, तो चलो मैं पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय। आज मेरा चेहरा भी बहुत डाउन डाउन सा हो रहा है, तो चलो मिलते हैं चाय पी के। सो गाइज, यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, सांभर मैंने दिन में बनाया था, आज दिन में भी बहुत सारा काम था ना, तो सब्जी कुछ थी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ पड़ी हुई थी, सारी सांभर वाली थी, तो मैंने कहा चलो सांभर बना लेते हैं दिन में, उससे एक दो रोटियाँ खा लेंगे और बाकी शाम के टाइम में इडली बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इडली का बैटर तैयार कर दिया, मैंने दो मट्ठे के पैकेट डाले और एक दही का पैकेट डाला, और इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी आधा घंटे, तब तक चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चटनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं, मैंने ली हैं चार हरी मिर्च, चार लहसुन की कलियाँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करने के इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा था। और ये आधा नींबू का टुकड़ा ले लिया है मैंने, और यहाँ पे मूंगफली को थोड़ा सा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने चने की दाल को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अगर आप लोग है ना इडली के लिए चटनी बना रहे हैं तो उसमें चने की दाल का यूज़ ज़रूर करिए, आपकी जो चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने चटनी में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, चार लहसुन की कलियाँ, चार हरी मिर्ची, थोड़ा सा दही, एक नींबू, ठीक है ना, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और ये मैंने जो भुनी हुई दाल थी वो डाल दी, चने की दाल, और इसमें मूंगफलियाँ डाली हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा ना गोला भी यूज़ किया है। आपके पास कच्चा नारियल हो तो कच्चा यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास जो हम डेली में यूज़ में पका हुआ नारियल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, और इसमें मैं लगा रही हूँ अब तड़का। तो तड़के के लिए वैसे कड़ी पत्ता भी चाहिए होता है, कड़ी पत्ता है भी नहीं, और मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे बच्चों को ना कड़ी पत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे भी ना कड़ी पत्ता थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें राई और लाल मिर्च का छौंका लगा दिया, और चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सच में गाइस, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट कर चुका है, तो ये हमारी जो दाल है वो भी फूल गई है, मैंने इसमें दाल डाल दी है। वैसे तो आप इसमें सब्जियाँ भी डाल सकते हो, लेकिन इस टाइम पे सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही हैं, और सब्जी थी भी नहीं आज कोई, तो इसलिए मैंने कोई सब्जी इडली में नहीं डाली है। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है इडली कुकर में, सांचों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लिया है, रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना
जो बैटर है वो इस भगोने में निकाल लिया था जो कि एक बार में यूज़ हो जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा ना इनो पाउडर डाल दिया था। इनो पाउडर डालने से ना आपकी जो इडली है बहुत ही ज़्यादा फूली फूली बनती है। तो यहाँ पे ना कुछ क्लिप कट हो गई है क्योंकि बीच बीच में ना परी को फ़ोन चाहिए था, वो परी काम कर रही थी अपने स्कूल का, तो जब उसका काम हो जाता था तो मैं फ़ोन ले लेती थी, जब मेरा काम हो जाता था तो वो फ़ोन ले लेती। तो यहाँ पे इडली सांभर और हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, तो फटाफट से आ जाइए आप लोग। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी? और उसके बाद यहाँ पे शौर्य की जो आँखें हैं वो आ गई हैं, जो आई फ्लू हो जाता है ना तो वो हो गया है शौर्य को, तो इसलिए मैंने शौर्य को आज स्कूल भी नहीं भेजा है। तो इसके आँखों में ना मैं दवाई डाल रही थी तो ये रोने लग गया था कि मम्मी मेरी आँखों में इतनी सारी दवाई क्यों डाल दी। सो गाइज, आप सभी को मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है, मतलब काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ मैं। तो परी हो रही है स्कूल के लिए तैयार और आज सबको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमारे घर में रात को 4 बजे से लाइट गई हुई थी। तो 4 बजे से लाइट गई हुई थी तब से हम लोग जग रहे हैं। एकदम कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से लाइट चली गई, किसी की नींद पूरी नहीं हुई। शौर्य अभी सो रहा है, मैंने कहा 10-15 मिनट और सो लें, उसके बाद उसे स्कूल के लिए जगाऊंगी। नींद आ रही है, ऐसा मन कर रहा है दोबारा से सो जाऊँ, लेकिन अभी बनाना है खाना। तो परी तो स्कूल के लिए तैयार हो गई है। मैंने कल इडली बनाई थी तो इडली एक्स्ट्रा बन गई थी तो उसको मैंने फ्राई कर दिया था। परी वो भी इडलियों को लेके जा रही है, इनको बच्चों को इडली बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे इनका तो हो गया है लंच का इंतज़ाम, पर अभी मुझे बनानी है सब्जी। काटने जा रही हूँ भिंडी और सच में मन कर रहा है कि सो जाऊँ, लेकिन काम बहुत सारे हैं आज और मुझे आज गेहूँ भी साफ करने हैं। आज लाइट ने ना सोने नहीं दिया। एक तो वैसे ही सोते सोते 12-1 बज जाता है और उसके बाद 4 बजे, तो 2-3 घंटे सोए हैं बच्चे, सो रहे हैं। सौर्य को मैं सोच रही हूँ ना स्कूल भेजूँ क्योंकि सौर्य की ना आइज भी आ रखी है, जो कहते हैं आई फ्लू हो जाता है वो रखा है, उसे आँखें आ गई हैं। वो तो कल मैंने दवाई मंगा के डालती थी उसकी आँखों में, तो उसे थोड़ा सा आराम मिल गया वरना कल तो रो रहा था वो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे हो रहा था 9:30-10 का टाइम हो रहा होगा, तो शौर्य को मैंने आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं। मैंने रात को दवाई तो डाली थी लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं। और शौर्य के चाचा जी के लिए मैंने खाना पीना बना दिया था। परी तो इडली लेके गई थी, तो अभी इडली रखी हुई है, मैंने उनको फ्राई कर दिया था तो नाश्ते में सब लोग वो खा लेंगे। शौर्य नहा लिया है, उसने पूजा कर ली है, तो यहाँ पर मैं अपने काम में लगी हूँ। मुझे आज गेहूँ साफ़ करने थे क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। सो गाइज, गेहूँ मेरे साफ हो चुके हैं। गेहूँ को साफ करने में पूरा 1.25 घंटा लग गया। झाड़ू लगा दी है मैंने पूरे घर में और अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन क्लीन करने के लिए। खाना बन चुका है और मतलब पूजा सुबह शौर्य ने कर दी थी, पता था कि मतलब मुझे टाइम हो जाएगा, लेट हो जाऊंगी मैं, तो इसलिए मैंने शौर्य से बोल दिया था। शौर्य स्कूल नहीं गया, शौर्य की जो आंखें हैं वो आई फ्लू होता है वो हो गया उसको, तो उसको मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसे देखिए फिर और बच्चों को भी हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है। उसको दवाई वगैरह दिला दी है मैंने, रात में भी डाल दी थी दवाई, तो अब 1-2 दिन तो लगेंगे उसको ठीक होने में, 3 दिन तो मिनिमम लगते ही हैं। तो बस किचन विचन क्लीन करने के बाद आज मुझे ऊपर का भी काम करना है, मतलब ऊपर का काम आज हुआ नहीं है। गेहूँ साफ करने की गई थी और सुबह मैंने बना दी थी भिंडी की सब्जी, तो भिंडी पड़ गई कम, फिर मैंने बनाई अरबी की सब्जी जो कि मैंने शेयर नहीं किया। तो थोड़ा सा बर्तन बर्तन धो के और उसके बाद यहाँ पे नीचे पोछा लगाने के बाद फिर ऊपर जाकर काम करूँगी। तो खाने पीने की टेंशन नहीं है क्योंकि खाना बन चुका है, बच्चे खा लेंगे, तो अपने धीरे धीरे करती रहूँगी। शाम को मुझे कपड़े भी धोने हैं, आज शुक्रवार है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो शाम को धोऊंगी कपड़े। तो चलिए किचन विचन क्लीन करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।